इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी यानी तस्वीरी कहानी, जहां पे कुछ तस्वीरें दी होती हैं और उसकी मदद से हम एक कहानी पढ़ते हैं। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है, हम शुरू करते हैं। पिक्चर स्टोरी, पिक्चर स्टोरी यानी तस्वीरी कहानी। पिक्चर स्टोरी यानी तस्वीरी कहानी, पिक्चर स्टोरी। चलें अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस नीचे दी हुई तस्वीर की तरफ देखिए। यहाँ पर एक फ्रूट स्टॉल है यानी एक फलों का ठेला, और साथ में एक बच्चा है जिसके हाथ में एक शॉपर है और वो एक केला खा रहा है। यहाँ पर हमें ये मालूम हो रहा है कि इस बच्चे ने यहाँ से कुछ केले खरीदे हैं। अब नीचे दिए हुए जुमले को पढ़ते हैं। अली बाइज बनानास, अली बाइज बनानास यानी अली ने कुछ बनानास खरीदे। बनानास यानी केले। अब इस कहानी में क्या बताया जा रहा है कि एक बच्चा है जिसका नाम है अली और उसने एक सब्जी और फलों की दुकान से कुछ केले खरीदे। आमतौर पर सब्जी और फल एक ही ठेले पे बिक रहे होते हैं, तो अली ने भी इसी तरह एक ऐसे ही ठेले के पास जाकर कुछ केले खरीदे। आगे पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। अब आप इस तस्वीर की तरफ देखिए। यहाँ पर अली ने केला खा के छिलका नीचे फेंक दिया, यानी उसने ख्याल नहीं किया और जैसे ही उसने केला खत्म किया उसने छिलके को नीचे फेंक दिया। अब हम पढ़ते हैं इसे, आपने भी साथ पढ़ना है। He eats one banana. He throws its skin on the road. अब अली ने क्या किया? He eats one banana. यानी अली ने केले खरीदने के बाद एक केला खाया, फिर he throws its skin on the road. Throws का मतलब है फेंकना। अब अली ने बनाना खाने के बाद उसका जो छिलका था यानी जो स्किन थी बनाना की, उसको थ्रो कर दिया यानी फेंक दिया रोड पे यानी सड़क पे। चलें देखते हैं फिर क्या हुआ। अब इस तस्वीर की तरफ देखिए। यहाँ पर एक शख्स है जो कि केले के छिलके से फिसल के नीचे गिर गया और यहाँ पर उसके कुछ कागज हैं जो उसके हाथ से निकल गए और हवा में उड़ने लगे। अब देखते हैं क्या हुआ। A man slips on it. He is hurt. फिर से पढ़ते हैं। A man slips on it. He is hurt. अब उस केले के छिलके की वजह से एक शख्स स्लिप हो गया यानी फिसल गया। अब केले का छिलका थोड़ा नरम सा होता है और आमतौर पर अगर वो सड़क पे गिरा हो तो उसकी वजह से फिसलन होती है, जिस पे अगर कोई पांव रखे तो वो गिर भी सकता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो छिलका अली ने फेंका था उस पे एक बंदा फिसल गया, यानी वो गुजर रहा था वहां से और वो स्लिप हो गया। स्लिप का मतलब है फिसल जाना। एक शख्स स्लिप हो गया उस केले के छिलके की वजह से। He is hurt, और hurt का मतलब है कि उसको चोट लगी। अब वो गिर तो गया, अब जाहिर है वो रोड पे गिरा तो उसको चोट भी लग गई। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब इस तस्वीर में देखिए कि यहाँ पे अली उदास खड़ा है और ये शख्स जो गिरा हुआ है ये उसी तरह है। अब अली ने क्या किया। अली सेज सॉरी, अली सेज सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पीच बबल बना हुआ है और उसके अंदर सॉरी लिखा है, यानी अली ने जब देखा कि उसकी वजह से एक शख्स गिर गया है और उसे चोट भी लग गई है तो अली को बहुत बुरा लगा और उसने उस शख्स से सॉरी कहा यानी माफी मांगी, क्योंकि वो शख्स अली की वजह से ही गिर गया था। अली को बहुत ही बुरा लगा।
चलें अब हम देखते हैं कि इस कहानी का मोरल क्या है, यानी इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। मोरल, मोरल कहते हैं सबक को। डू नॉट थ्रो लेटर ऑन द रोड। लेटर कहते हैं कचरे को और थ्रो यानी फेंकना। अब इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कचरा रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हमें अपने मुल्क को और अपने शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कोई भी कचरा किसी भी किस्म का हो रोड पे ना फेंकें। और दूसरी बात ये कि जो कचरा हमने फेंका है उससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है या तकलीफ पहुंच सकती है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। इसीलिए हमें कचरा रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, जैसा कि अली के छिलका फेंकने की वजह से एक शख्स गिर गया और उसे चोट लग गई। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। अब आपने आइंदा से इस बात का ख्याल रखना है कि आप किसी भी किस्म का कचरा रोड पर ना फेंकें, या तो आप डस्टबिन में फेंकें या अपने हाथ में कोई शॉपर पकड़ के उसमें डाल दें और अपने घर पहुंच के फेंक दें, या जहां पे आपको डस्टबिन नजर आए वहां पे फेंक दीजिए। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इस पिक्चर स्टोरी को दोहराने की कोशिश कीजिए।